नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर निजामाबाद तहसील में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी द्वारा अग्निपथ योजना के विरोध में पूर्व निर्धारित शांतिपूर्ण सत्याग्रह का आयोजन हुआ। आपको बता दें, निजामाबाद तहसील प्रांगण में शांतिपूर्वक तरीके से सत्याग्रह कार्यक्रम किया गया। साथ में नारा लगाते हुए अग्निपथ योजना वापस लो, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद करो, इस तरह से सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कार्यक्रम के पर्यवेक्षक मोहम्मद उमर के नेतृत्व में कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदेश पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष राम गणेश प्रजापति, जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक अध्यक्ष नदीम खान, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ताबरपुर के वरिष्ठ नेता राजपति पांडे, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जीशान अहमद, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ताबरपुर ब्लॉक अध्यक्ष अंशुमाली राय, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मिर्जापुर अध्यक्ष रविशंकर पांडे, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी महासचिव एवं कोषाध्यक्ष मुस्तकीम खान, ब्लॉक अध्यक्ष किसान राम नारायण, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मिर्जापुर न्याय पंचायत बबलू भारती, न्याय पंचायत अध्यक्ष समारू यादव, न्याय अध्यक्ष पंचायत बस्ती राम पाठक, ब्लॉक सचिव योगेंद्र राम अशोक कुमार, ब्लॉक सचिव पंचायत जोगिंदर प्रजापति सहित तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित थे। क्या मामला है? हम लोग अग्निपथ योजना के विरोध में आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्षा त्याग की प्रतिमूर्ति आदरणीय सोनिया गांधी जी के निर्देशन पर और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन में आज विधानसभा क्षेत्र निजामाबाद के कांग्रेस के कार्यकर्ता वरिष्ठ नेता के साथ आज जिस प्रकार से भाजपा की मोदी सरकार आज हमारे नौजवान नवयुवकों को जो है रोजी रोटी नहीं दे पा रही है और ना तो उनको एक ढिढोरा पीटा कि सैनिकों को जो है हम भर्ती करेंगे और उनको रोजी रोटी मुहैया कराएंगे, लेकिन भाजपा की सरकार जन विरोधी सरकार जो है, इन्होंने एक आदेश पारित किया कि हमारे जो सैनिक भाई हैं वो केवल 4 साल ही मात्र नौकरी करेंगे, उसके बाद निकाल दिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ इस भाजपा मोदी सरकार से कि आप जो है 4 साल के बाद उस नौजवान उस युवाओं को आप क्या देंगे जब वो भूख मरी के कगार पर आकर अपने प्राण को त्यागने को मजबूर होंगे। इसी को लेकर आज हम सब तहसील मुख्यालय में निजामाबाद में हम जो है आज सत्याग्रही पर बैठे हुए हैं। आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे मिर्जापुर के संघर्षशील जुझारू हमारे कर्मठ ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय रविशंकर पांडे जी, हमारे ताबरपुर ब्लॉक के कर्मठ जुझारू आदरणीय अंशुमाली राय जी, हमारे बीच में हम सबके सीनियर लीडर वयोवृद्ध और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय राजपति पांडे जी, हमारे आज इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के भाई नदीम खान जी तथा हमारे बीच में हमारे तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हमारे देवतुल कार्यकर्ता, आम जनता कांग्रेस को समर्थन देने के लिए यहाँ पर एकत्रित है। मैं आज इस अग्निपथ योजना के विरोध के अवसर पर आए हुए सभी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता आमजन का मैं धन्यवाद देता हूँ। पूरा परिचय सर, पूरा परिचय आपका। मैं राम गणेश प्रजापति, नेशनल कोऑर्डिनेटर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग एवं प्रदेश उपाध्यक्ष